हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, आगे जाके आने वाली है बहुत सारे त्यौहार, और त्यौहार हो और घर पे मीठा ना बने, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा स्वीट डिश, जो घर पे मिलने वाले बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट से बन के तैयार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, छेना की खीर। तो खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कैश्यू नट्स, आलमंड्स, कुटी हुई इलायची, थोड़ी सी सॉल्ट, 1 लीटर दूध लिया है मैंने, जिसमें से मैं 1/2 लीटर छेना बनाऊंगी और 1/2 लीटर में खीर बनाऊंगी। 1 कटोरी शक्कर, ये अराउंड 80 ग्राम्स की है। 1 कटोरी मिल्क पाउडर, यहाँ पे आप मिल्क मेड भी ले सकते हैं मिल्क पाउडर की जगह। यहाँ ले रही हूँ 1 स्पून विनेगर, इसमें मैंने पानी भी ऐड किया हुआ है, और मैं ले रही हूँ 1 चम्मच घी। तो चलिए पहले देख लेते हैं हम छेना बनाने के प्रोसेस। गैस ऑन करके मैंने पैन गरम करने के लिए रख दिया था, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 लीटर के करीब मिल्क। मिल्क को हम 1 उबाल आने तक गरम करेंगे और उसमें ऐड करेंगे विनेगर। विनेगर मैंने मिला लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा छेना बन के रेडी है। तो अभी हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और छेना को एक बॉल में निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे एक साफ कपड़ा रख लिया है बॉल के ऊपर, अभी मैं छेना को पानी से निकाल लूँगी। आपको ध्यान रखना है गर्म पानी में ज़्यादा टाइम तक हम छेना को नहीं रखेंगे, नहीं तो छेना बहुत हार्ड हो जाएगा। क्योंकि हमने छेना बनाने के लिए विनेगर का यूज़ किया था, तो अभी हम इस छेने को 2-3 टाइम्स अच्छे पानी में धो लेना है। ये बचे हुए पानी को हमें फेंकना नहीं है, ये आप बाद में आटा गूंदने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे खीर बनाने की प्रोसेस। मैंने यहाँ पे एक पैन गरम कर लिया है, इसमें ऐड करूँगी 1 स्पून घी और उसमें डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पे आलमंड और कैश्यू नट्स लिया है। ड्राई फ्रूट्स को हमें 2 मिनट के लिए घी के साथ भून लेना है। अभी ये भून चुका है, मैं इसको और एक कंटेनर में निकाल रही हूँ। अभी मैं सेम पैन में 2-3 स्पून तक शुगर ले लूँगी। शुगर को हम कैरमलाइज कर लेंगे। कैरामलाइज करने से ये खीर में बहुत अच्छा कलर लाता है। अगर आपको कैरामलाइज शुगर पसंद नहीं है तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शुगर कैरामलाइज हो चुका है, अच्छा कलर भी आया है। तो इसमें हम डाल देंगे 1/2 लीटर के करीब मिल्क। मिल्क को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और 1 उबाल आने तक पकाएंगे। यहाँ पे अभी मिल्क में उबाल आ चुका है, मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी मिल्क पाउडर। आप मिल्क पाउडर के जगह चाहे तो मिल्क मेड भी ले सकते हैं। यहाँ पे मिल्क पाउडर को अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसको 1/2 होने तक पकाएंगे। यहाँ पे मैंने 500 ml का मिल्क लिया है, तो जब तक ये 250 या 200 ml तक नहीं हो जाता, तब तक मैं इसे पकाऊंगी। मिल्क पाउडर ऐड करने से मिल्क बहुत अच्छे से गाढ़ा हो जाता है और बहुत स्वाद आता है इस रेसिपी में। आपको ध्यान रखना है कि मिल्क उबाल के बाहर ना आ जाए, तो इसको बीच बीच में हम मिलाते रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिल्क करीब 1/2 हो चुका है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ शुगर। अभी मैं यहाँ पे छेने को ऐड कर दूंगी मिल्क के साथ। ये खीर बनने के लिए करीब 25-30 मिनट्स तक टाइम लगता है, और ये पूरे प्रोसेस में मैंने फ्लेम को मीडियम में रखा हुआ है।
तो अभी मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगी रोस्टेड आलमंड और कैसू नट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं दूध यहाँ पे बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, हमारे खीर बनके रेडी होने को तैयार है। तो लास्ट में मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कूटी हुई इलायची पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट डालने से हमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और इसका जो स्वीटनेस है वो उभर के आता है। तो यहाँ पे हमारा खीर बनके तैयार हो चुका है। अभी हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और खीर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी हम खीर सर्व कर लेंगे। इसको ठंडा ठंडा सर्व कीजिए, ये ठंडा ठंडा खाने में बहुत अच्छा लगता है। मैं लास्ट में यहाँ पे और थोड़े ड्राई फ्रूट से गार्निश कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा कलर आया है और टेक्सचर भी कितना क्रीमी है। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं फिर मिलती हूँ आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।